गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 5 का सिलेबस, जिसका कोर्स टाइटल है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कोर्स कोड है UPATE 501। सेमेस्टर 5 की क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं, जैसे ही शुरू होंगी तो आपको ये सिलेबस क्लास में दे दिया जाएगा और आपको जो आपकी क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इसमें यूनिट 1 है मीनिंग ऑब्जेक्टिव वर्किंग एंड अकाउंटेबिलिटी, यूनिट 2 है सिविल सर्विसेज सिस्टम, यूनिट 3 है पब्लिक पर्सनल सिस्टम इन इंडिया 1, पब्लिक पर्सनल सिस्टम इन इंडिया 2। तो इस कोर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है, ये आपके सीनियर से भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या पढ़ा, आप उनसे भी राय ले सकते हैं कि इस कोर्स को कैसे फॉलोअप करना है, कैसे इसको पढ़ना या समझना है। ठीक है, क्लास में भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा जो भी आपका टीचर रहेगा, और अभी ऑनलाइन टीचिंग में भी मैं आपको इसको पूरा पढ़ाऊंगी, एक एक टॉपिक को, जैसे पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के। तो बेसिकली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, पढ़ा अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कोर्स में है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ कंसर्न्ड विद पीपल एट वर्क एंड विद देयर रिलेशनशिप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन किससे कंसर्न करता है, वो लोग जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग, जैसे आपका GDC उधमपुर का एग्जांपल ले लें, तो वहाँ काफ़ी सारे आप देखते हो कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हायरार्की जैसे मैंने आपको समझाया था। तो उन लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, कंसर्न विद द पीपल एट वर्क एंड विद योर रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका कैसा रिलेशन है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंसी के लिए, आउटपुट के लिए। अगर आपस में ही झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से घृणा ईर्ष्या करते रहेंगे, तो पब्लिक को, यानी कि आप जैसे स्टूडेंट्स को कैसे सर्व करोगे, है ना। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में आपको ये मिलेगा। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरियसली नोन एज, इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस, मैन पावर मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको और भी ज़्यादा नामों से पुकारा जाता है, ये सिर्फ एक टाइटल है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसको और भी नामों से पुकारा जाता है, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस, मैन पावर मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि इसमें आप क्या पढ़ोगे, क्या इसमें कंटेंट रहेगा। ठीक है, अब एक जो थिंकर्स हैं माइकल जैक्यूस, उनका हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या कहते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन as the field of management which has to do with planning, organizing and controlling various operative functions of procuring, developing, maintaining and utilizing labor force such that objective for which the company is established are attained economically and effectively. Objectives of all levels of personnel are served at the highest possible degrees. Objectives of the community are duly considered and served. ठीक है, ये तो एक छोटा सा मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है इस PDF में, मैं उसको और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगी कि क्या होता है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसका क्या कंटेंट रहेगा, फिर हम इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए बस थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करना था, फिर उसी में नीचे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ज़रूरत है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की, माने विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको हमें मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है, क्या उनका मैनेजमेंट ज़रूरी है, अगर उनको मैनेज नहीं करेंगे तो क्या वो अपनी मनमानी करेंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चलेगी, आउटपुट नहीं होगी, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिनको भी वेलफेयर हो रहा होगा क्या वो नहीं होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, मतलब वो सारा सिस्टम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद इसमें वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हायरार्की में आते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब उसमें हमने पढ़ना है। ठीक है, फिर UPSC, CPSC, ये भी सब पढ़ना है कि कैसे वो रिक्रूट होते हैं,
उस पोस्ट पे वो कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या पैटर्न है, ट्रेनिंग स्किल, उनका प्रमोशन, परफॉर्मेंस, अप्राइजल, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, किन रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग जॉब, ठीक है ना, फिर उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का रिलेशन, ग्रेवियंसेस, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है तो वो कहाँ पर एड्रेस करनी है, और रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लंबा टॉपिक होने वाला है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल मैंने इतना बता दिया आपको, इतना आप ध्यान रखो, फिर हम अगली वीडियो में इसको एक एक टॉपिक को अच्छे से और बताएंगे, और जो भी मटेरियल होगा मेरे पास वो भी मैं आपको सेंड करती रहूँगी ग्रुप में, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।